हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और सबसे पहले अपन कल का टॉपिक रिवाइज करेंगे। अपन चैप्टर चल रहा था मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री अपना, और इसके अंदर जो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री था उसमें सबसे पहला पढ़ा था अपन ने मटेरियल टर्नओवर रेशो। मटेरियल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला था रॉ मटेरियल कंज्यूम बने एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू करके। दूसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी का, इसको अपन ने क्या कहा था, ईओ क्यू या आर ओ क्यू कहा था। इसको हम ईओ क्यू कहते हैं या आर ओ क्यू कहते हैं, टू इंटू आर इंटू ओ अपॉन सी का होल अंडर रूट। थर्ड अपन ने पढ़ा था नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या फॉर्मूला था, आर अपॉन ईओ क्यू। फोर्थ अपन ने पढ़ा टाइम डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्डर, दो आदेशों के बीच की अवधि, ट्वेल्व अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। आर का मतलब होता है एक साल में माल जितना यूज आ रहा है वो, ओ का मतलब होता है माल को लाने का जो खर्चा लगता है वो, कैरिंग कॉस्ट माल को रखने का खर्चा, ले जाने का खर्चा, या फिर उसमें जो लॉस वगैरह होते हैं वो सारे खर्चे जो भी होते हैं वो सब सी माना जाता है। पी का मतलब होता है एक यूनिट कितने रुपए की है। अपन ने कल सीखा था, फिर अपन ने सीखे थे स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल, फिर कुछ ऑल्टरनेटिव लेवल थे। ठीक है, अब आज अपन सीख रहे हैं, अगला पॉइंट है इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कल के नोट्स अगर आपने पूरे नहीं उतारे हैं तो लास्ट क्लास की वीडियो को देख लेना, उसमें सारे नोट्स दे रखे हैं, आप उतार लीजिएगा। अभी फिलहाल ये उतारिए, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कॉपी कीजिए। अभी फिलहाल टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कॉपी कीजिए जल्दी से। लीजिए, मैंने बड़ा कर कॉपी दिया है, करना है। ये जो 6 पॉइंट है ना, कल सारे फॉर्मूले कॉपी कर लिए थे आपने। हाँ जी सर। ठीक है, अब ये वाला 6 पॉइंट कॉपी कर लो। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ओके सर। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है पहला, परचेज कॉस्ट आर इंटू पी। म्यूट कीजिए अपने आप ऑडियो को। ये सर ये बॉक्स में बना हुआ है उसमें ही लिखा है ना, ये परचेस कॉस्ट हाँ, आर इंटू पी। मैं बोल देता हूँ। टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री का ओके सर। फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसमें तीन फॉर्मूले लगते हैं। पहला होता है परचेज कॉस्ट, बेटा परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आर इंटू पी। आर इंटू पी परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, आर इंटू पी लिख लीजिए। दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, आर इंटू ओ अपॉन ईओ क्यू। आर इंटू ओ अपॉन ईओ क्यू। तीसरा होता है केयरिंग कॉस्ट, तीसरा होता है केयरिंग कॉस्ट, ईओ क्यू अपॉन टू इंटू सी, यानी ईओ क्यू इंटू सी अपॉन टू, एक ही बात है कैसे भी लिख लें। ये सेकेंड है ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इंटू ओ अपॉन ईओ क्यू। ईओ क्यू। ओके हाँ, नहीं दिख रहा क्या आपको? सर, दिख गया। इन तीनों को अपन जोड़ देंगे तो आएगी हमारी टोटल कॉस्ट। इन तीनों को अपन ऐड कर देंगे तो आएगी हमारी टोटल कॉस्ट। इसके नीचे एक नोट है, अगर डिस्काउंट दे रखा हो तो 2 बार टोटल कॉस्ट निकालते हैं। इफ डिस्काउंट इज गिवन देन वी कैलकुलेट टोटल कॉस्ट 2 टाइम्स। यदि डिस्काउंट दे रखा हो तो टोटल कॉस्ट हम 2 बार निकालते हैं, एक बार विदाउट डिस्काउंट, एक बार विद डिस्काउंट। 2 बार हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे दोस्तों, 2 बार टोटल कॉस्ट निकालेंगे, एक बार विद डिस्काउंट और एक बार डिस्काउंट, दोनों से अलग अलग। ये वाला सर, ये नोट्स समझ में नहीं आया सर, एक बार क्लियर देखो, कीजिए एक बार। क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट दे रखा होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2% डिस्काउंट है, 10 रुपए डिस्काउंट है, 2% डिस्काउंट, या हाँ जी कुछ भी सर। डिस्काउंट दे रखा हो,
तो आप जो टोटल कॉस्ट निकालोगे, ये फॉर्मेट दो बार बनेगा, ये फॉर्मेट दो बार बनेगा, मतलब एक बार तो बिना डिस्काउंट मान के और एक बार डिस्काउंट मान के, फिर उसको कंपेयर करेंगे अपन, आगे क्वेश्चन आएंगे जब समझ में आ जाएगा। अगर डिस्काउंट दे रखा है तो दो बार फॉर्मेट बनाना है, एक बार विदाउट डिस्काउंट लिखा हुआ है, इफ डिस्काउंट इज गिवन देन वी कैलकुलेट टोटल कॉस्ट टू टाइम्स, विदाउट डिस्काउंट एंड विद डिस्काउंट, दोनों तरह से हम निकालेंगे। आप म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को, ओके सर। रिकॉर्डिंग भी चलती है इसलिए। चलिए अब अपन समझते हैं, आज अपन क्वेश्चन चालू करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, ईओक्यू के इस वाले पोर्शन के। तो भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, ये सबसे पहले मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है हम माल कितना मंगाए, मतलब हम अगर चॉकलेट खाते हैं तो एक बार में कितनी चॉकलेट लेके आए ताकि बार बार जाना नहीं पड़े या बार बार मंगाना नहीं पड़े, क्योंकि मंगाने के अपने ही खर्चे होते हैं। जैसे मम्मी पूरे महीने भर का राशन एक साथ दिया थी, मम्मी को पता होता है मैं दाल कितनी काम आएगी, आटा कितना काम आएगा और चावल कितने काम आएंगे और तेल कितना काम आएगा, उसी हिसाब से मम्मी एक साथ ले आती है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ताकि डब्बे का साइज भी वो देखती है कि हमारा डब्बा कितना बड़ा उतना ही भरा जाएगा, एक्स्ट्रा लाएंगे तो चूहे खा जाएंगे या फिर और कुछ जानवर लग जाएंगे, वेस्टेज हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। जितना डब्बा उतना ही माल लाती है, जितना पैसा है उतना ही माल लाती है, एक्स्ट्रा पैसे का माल नहीं लाती है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे का गुड्स को घर में नहीं लाती है। तो कुल मिला के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हम कितना सामान लेके आए एक बार में ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, टू इंटू आर इंटू ओ अपॉन सी। तो दोस्तों आर का मतलब होता है कि एक साल में कितना कंज्यूम होता है, एक साल में, ना ना क्या बोल रहा हूँ, वन ईयर, एक साल में आप कितना रॉ मटेरियल यूज कर लेते हो, एक साल में कितना वन मटेरियल आप यूज कर लेते हो, ओ का मतलब था ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब लाने का क्या खर्चा लग रहा है आपका, और सी का मतलब रखने का क्या खर्चा लग रहा है, रखने में सारे तरह के खर्चे आ जाते हैं। तो ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब रखने का खर्चा, ठीक है। अब एक होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, अगला फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका फॉर्मूला आर अपॉन ईओक्यू। तो आर जो ऊपर वाला क्वेश्चन में आएगा वो यहाँ रख लेंगे, अपॉन ईओक्यू जो ऊपर वाला आएगा वो यहाँ रख लेंगे। ध्यान रखना आर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ओ दिया हुआ होता है और सी दिया हुआ होता है, जनरल क्वेश्चन में तीनों दिए हुए होते हैं, नहीं दिए हुए होते तो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आर अपॉन ईयू क्यू। नेक्स्ट टाइम डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्डर्स, दो आदेशों के बीच में गैप, कि आज एक ऑर्डर दे दिया मतलब आज सामान लिया तो अब सामान कब लाएंगे। अब जैसे मम्मी आज सामान लिए तन खाती है पापा की तो अगला सामान अगले महीने लेके आती है, वैसे हम वो गुड्स कब मंगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला था 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, या 12 की जगह अपन 365 भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कब 365 लेना है कब 12 लेना है, जब नंबर ऑफ ऑर्डर 12 से कम आते हैं। अब जब नंबर ऑफ ऑर्डर 12 से क्या आते हैं कम तो अपन 12 लेंगे, और जब नंबर ऑफ ऑर्डर 12 से क्या आते हैं ज्यादा आते हैं, जब नंबर ऑफ ऑर्डर 12 से क्या आते हैं बेटे ज्यादा आते हैं, जब हम क्या ले लेंगे 365 ले लेंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्डर 12 से ज्यादा आएंगे तो अपन क्या यूज करेंगे 365 यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, अरे समझ में आ गया क्या बोलो। चलो अब चालू चालू करते हैं फॉर्मूला। मैं एक बार आपसे पूछ रहा हूँ आर का मतलब क्या होता है बताएं, आर का मतलब क्या होता है बताएं, आर का मतलब होता है एक साल में कितना कंज्यूम करेंगे, ओ का मतलब क्या होता है एक ऑर्डर की कॉस्ट, सी का मतलब क्या होता है रखने की कॉस्ट, पी का मतलब क्या होता है एक यूनिट की प्राइस, कितने की है एक यूनिट वो। चलो अब आगे पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं पहले अपन, बहुत सारी हो गई थ्योरी। क्वेश्चन नंबर वन, सब लोग कॉपी निकालें, क्वेश्चन नंबर वन नोट करें। क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अपने से क्या पूछ रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, अपने से क्या पूछ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बताइए, 2 इंटू आर इंटू ओ अपॉन सी का होल अंडर रूट, ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला था टू इंटू आर इंटू ओ अपॉन सी का अंडर रूट। तो बेटे एक बार बताओ आर का मतलब क्या बताया था मैंने, एक साल में जो मटेरियल काम आता है वो। तो देखो यहां भी दे रखा है एनुअल रिक्वायरमेंट, ये हो गया हमारा आर,
एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब होता है पी, प्लेसिंग वन ऑर्डर, म्यूट करो जुई, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया ओ, एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट क्या है ओ है, और कैरिंग कॉस्ट क्या बोल रहा है इसका मतलब होता है सी। अब सी जो दे रखी है अपने को 20% दे रखी है, सी दे रखी है अपने को 20% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हमेशा प्राइस का होती, ध्यान रखिएगा परसेंटेज हमेशा किस पे लगती है, प्राइस पे लगती है, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, देखिए नोट्स में देखिए फटाफट से एक बार आता है नोट्स में, यस सी, सी देखिए कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, लॉस, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, प्राइस पर यूनिट इंटू परसेंटेज, प्राइस पर यूनिट इंटू परसेंटेज दे रखी है, ये इसमें लगेगी। वापस आते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपको 20% दे रखे और प्राइस हमको कितनी दे रखी थी 40, तो 40 का 20% कितना होता है बेटा 8 रुपये होता है, 40 का 20% 8 रुपये होता है, तो आप सबके समझ में आ गया यहाँ पे आर कितना है 3200, प्राइस कितनी है 40, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है हमारा 50, सी कितना है 8, लगा दें यूक्यू को फॉर्मूला, लिखो आप पहले कॉपी में लिखो, पहले कॉपी में समरी लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 समरी लिखेंगे, आर 3200 पी 40 ओ 50 सी 20% ऑफ 40 रुपीज, 20% ऑफ रुपीज 40 इक्वल टू आठ ईयूक्यू के फॉर्मूले में लगा दूंगा मैं 2 इंटू आर इंटू ओ अपॉन सी का अंडरवुड, कैलकुलेट कीजिए फटाफट, 2 इंटू 3200 इंटू 50 डिवाइड 8, इसका रूट निकालेंगे आएगा 200, इसका रूट निकालिए कितना आया 200, ये आ गया हमारा ईओक्यू, जल्दी सॉल्व कर लीजिए फटाफट आप लोग कॉपी में सॉल्व कर लीजिए और एक बार कैलकुलेट करके जरूर देख लीजिएगा। सॉरी एक सेकंड सर, मुझे एक क्वेश्चन करना था। आराम से करो, मैं हटाऊंगा नहीं जब तक आप नहीं बोले। हाँ सर, हाँ बोलिए बेटा बोलिए। सर मैं ऐसे बोल रही थी, आपने ईओ क्यों निकाला था? हाँ, तो आपने ये फॉर्मूला बताया 2 इंटू आर इंटू ओ अपॉन सी और अंडररूट, तो इसमें आर का ओ का सी का रोल समझ आ गया, लेकिन जो आपने ये 2 लगाया उसका रोल क्या है बेटा? इसका रोल फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऐसे ही बना हुआ है, जो फॉर्मूले होते हैं उनको आपको ऐसे ही लिखना होता है, ये पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ही 2 है, तो इसका कोई रोल नहीं, इसका रोल ये फॉर्मूला है, ईओक्यू का फॉर्मूला ही ये होता है, ईओक्यू का फॉर्मूला ही ये होता है 2 इंटू आर इंटू ओ अपॉन सी। अब 2 तो पता है न्यूमेरिकल वैल्यू है, पर आर का मतलब क्या है मैंने आपको बताया, ओ का मतलब क्या है मैंने आपको बताया, सी का मतलब क्या मैंने आपको बताया, तीनों का मतलब मैंने बता दिया आपको, अब 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वही रहेगा ना बेटा, ठीक है? ओके, जल्दी इसको कॉपी कर लो फटाफट से। हाँ भाई, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप, जल्दी से रीडिंग कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेंटरी होल्डिंग इन अमित लिमिटेड, एक कंपनी अमित लिमिटेड उसके पास कुछ स्टॉक पड़ा है, उसकी डिटेल आपको दे रखी है, पढ़ो क्या लिखा हुआ, एनुअल यूजेस 3000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 30, कॉस्ट पर यूनिट 100, कैरिंग कॉस्ट 18 पर यूनिट, कैलकुलेट रीऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलो चाहे रीऑर्डर क्वांटिटी बोलो, फॉर्मूला तो वही लगता है, तो सबसे पहले देखो हमसे पूछा रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 इंटू आर इंटू ओ अपॉन सी का अंडर रूट लगेगा, ठीक है? अब इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, ओ चाहिए और सी चाहिए, तीन चीज चाहिए, आर चाहिए, ओ चाहिए और सी चाहिए, तीन चीज हमको चाहिए, तो क्वेश्चन में बताओ आर कितना है, फटाफट बताओ आर कितना है, आर का मतलब एनुअल यूजेस, एक साल का जो यूज हमारा आर होता है,
बताओ क्या जल्दी से। 3,000, शाबाश, आर हो गया हमारा 3,000। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं ओ को, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको 30 मिल गई। 30 हाँ और कैरिंग कॉस्ट खुद नहीं दे रखी है, नीचे देखो कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 18 रुपीज, 18 मिल गया आपको 18। तो क्या प्राइस काम आई, क्या कॉस्ट पर यूनिट काम नहीं आई है? कॉस्ट पर यूनिट काम नहीं आई तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमको तीन ही चीज चाहिए, आर चाहिए, ओ चाहिए और सी चाहिए, तीनों हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। हमारे को आर कितना दे रखा है 3,000, ओ कितना दे रखा है 30 और सी कितना दे रखा है 18, तीनों चीज गिवन है हमारे को। ठीक है तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तीनों चीज मिल चुकी है, फटाफट सॉल्व करते हैं जल्दी से, कितना आ रहा है देख के बताएं, सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर पे स्पीड से, जल्दी करो कैलकुलेटर पे सॉल्व। 3,000 इंटू 2 इंटू 30 डिवाइड 18 बोलने का आ गया 10,000 आया, 10,000 100 आ रहा है, सही है 100 आ रहा है। आ गया आप लोगों का ईओ क्यू। जल्दी कॉपी में कर लीजिए। फटाफट कॉपी में कर लो इसको। हो गया डन। चलिए करो बेटा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। ओके सर पढ़िए। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नंबर ऑफ ऑर्डर एंड टाइम डिफरेंस। अब इसमें से अपने को तीनों चीज पूछ ली, क्या क्या पूछा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओ क्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर और टाइम डिफरेंस। अच्छा बताओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला तो वही ध्यान है आप लोग, क्या था? 2 इंटू आर इंटू ओ अपॉन सी का अंडर रूट। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला था आर अपॉन ईओ क्यू और टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला था 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। बेटे म्यूट करके रखो, ठीक है? अब क्लास खत्म, क्या जूम पे 40 मिनट्स की क्लास मिलती है अपने को, ज्यादा लंबी नहीं मिलती है, तो फटाफट आप लोग सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। एक काम करता हूँ, पहले एक क्वेश्चन घर पे करने के लिए देता हूँ मैं आप लोगों को, ये मैं कल करा दूंगा आप लोगों को, ये कर लो यार, चलो कर लो। देखो एनुअल डिमांड का मतलब होता है आर, परचेज प्राइस का मतलब होता है पी, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है ओ। तो आपको सी नहीं दे रखा है यहाँ पे, अब सी निकालना पड़ेगा। अब सी कैसे निकालेंगे? कह रहा है स्टोरेज कॉस्ट 4% है, प्राइस 20 रुपये, 20 रुपये का 4% निकालो, बोलो 0.8, 20 रुपये का 10% निकालो, 20 रुपये का 6% निकालो, 1.2 जोड़िए, 2, 3, 4, 4 हो गया। तो सी कितनी हो गई हमारी? 4 हो गई। अब सब चीज मिल गई अपने को, आर मिल गया 5,000, पी मिल गया 20, ओ मिल गया 16 और सी मिल गया 4। एक मिनट बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपने को सी का तीनों चीज दे रखा है, सी का मतलब सारे खर्चों को जोड़ लो, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, लॉस, इंटरेस्ट, सारे खर्चे सी में जुड़ते हैं। नोट्स पे देखो लिखा रखा है मैंने आपको, देखो दिखाऊंगा आपको, देखो सी का मतलब क्या क्या होता है, कैरिंग, स्टोरेज, लॉस, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। मिल गया क्या आप लोगों को? इसको कैसे निकालते हैं? प्राइस पर यूनिट का परसेंटेज, प्राइस पर यूनिट का परसेंटेज। अब ये परसेंटेज दे रखी है अपने को, वो कितने कितने परसेंट दे रखी है? वो दे रखी है परसेंटेज अपने को ये रही, 4%, 10% और 6%। ये किस पे निकलेगी? प्राइस पे निकलेगी। तो प्राइस है हमारी 20 रुपये, तो 20 रुपये का 4%, 20 रुपये का 10%, 20 रुपये का 6%, वो तीनों निकाल के हमने ऐड कर ली, हो गया 2, सी बराबर हो गया 4। तो हमको क्या क्या मिल गया? हमको आर मिल गया 5,000 यूनिट का, हमको ओ मिल गया 16 रुपये और हमको सी मिल गया 4 रुपये। अब क्या सारे फॉर्मूले लगा सकते हो आप इस क्वेश्चन में? 2 × r × o/c है, इसको उतार लो फटाफट से जल्दी से, ठीक है? उसको कॉपी कर लो और सॉल्व कर लेना, पक्का मेरे को बताना हमने सॉल्व किया नहीं किया। अब देखो यहाँ पे 12 नहीं लगेगा, यहाँ पे 365 लगाना आप लोग, 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जल्दी कॉपी कर लो इसको,
जूही कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कॉपी कर लो फटाफट से और ये करके लाना है आप सब लोगों को, ठीक है? कल मैं चेक करूंगा किस किसने किया नहीं किया, कोई दिक्कत हुई तो कल वाली क्लास में मैं इसको सॉल्व करूंगा। जो आज क्वेश्चन किए अपन ने दो, उनको रिवाइज करना और इसको सॉल्व करना, तो ये कल वाली क्लास में लें। कल कल सारे फॉर्मूले पढ़ के आना आप लोग, कल सारे फॉर्मूले पढ़ लेना, क्योंकि फॉर्मूले सारे लिखा दिए मैंने, फॉर्मूले सारे पढ़ लीजिएगा आप लोग।